नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं गौरव। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्यौहार है। ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। बौद्ध बन जाने पर वह बौद्ध स्थलों की यात्राओं पर गए, भगवान बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने तथा अपने जीवन को कृतार्थ करने के निमित्त हजारों स्तूपों, शिलालेखों, धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया, सवारा तथा उस पर दीपोत्सव किया। यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन महाराजा ने राज परिवार के साथ धम्म दीक्षा ग्रहण की। धम्म दीक्षा के उपरांत महाराजा ने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम शास्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाता है। कहा यह भी जाता है कि ब्राह्मणों ने इसे काल्पनिक राम और रावण की विजय बताकर इस महत्वपूर्ण त्यौहार पर कब्जा कर लिया है। जहां तक दशहरी की बात है तो इससे जुड़ा तथ्य यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य तक कुल 10 सम्राट हुए। अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य ही उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। इस समाज ने इस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस साल यह अशोक विजयदशमी का ही दिन था। उन्होंने अशोक शब्द को हटा दिया और जश्न मनाया। इस जश्न में मौर्य वंश के 10 सम्राटों के अलग अलग पुतले ना बनाकर एक ही पुतला बनाया और उसके 10 सर बना दिए और उसका दहन किया। बाबा साहब और अशोक महान दोनों ने एक ही सपना देखा था। सम्राट अशोक ने भारत को बुद्धमय बनाया था। भगवान बुद्ध के संदेश को प्रचारित प्रसारित करने के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। जब भगवान बुद्ध का नाम भारत के इतिहास से मिटाने की साजिश रची जा रही थी, उसी समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5,00,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहब ने भारत में बुद्ध को आम जन तक पहुंचाया। जिस तरह भगवान बुद्ध का दिया धम्म संदेश हर आमजन के जीवन में बेहतरी लाता है, उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किए गए कामों ने भी देश के हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर किया और उनको विशेष अधिकार भी दिलवाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा लेते समय 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिसका सार था ईश्वरवाद, अवतारवाद, आत्मा, स्वर्ग, नर्क, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड से मुक्ति और जीवन में सादगीपूर्ण सद्व्यवहार का संचार। हिंदू धर्म की मान्यताओं से दूर, जाति उपजातियों से उपजे भेदभाव को समाप्त करके बाबा साहब ने एक प्रबुद्ध भारत की ओर एक कदम उठाया था। नागपुर दीक्षा भूमि में 3 दिन बड़ा उत्सव होता है। महाराष्ट्र के दूर दराज जिलों, गांव, कस्बों से नंगे पांव लाखों लोग दीक्षा भूमि के दर्शन करने आते हैं। न केवल महाराष्ट्र से बल्कि पूरे भारत के कोने कोने से लाखों लोग दीक्षा भूमि में धम्म की वंदना करने आते हैं। इस उत्सव में सबसे खूबसूरत चीज जो देखने को मिलती है कि भीड़ भाड़ में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, ना ही कोई फसाद। अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले संगठन, संस्थाएं, पार्टी, समूह, दल अपने अपने राज्यों में दशहरा के दिन अशोक विजयदशमी मनाते हैं। अफसोसजनक बात है कि मीडिया इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं दिखाती। मुख्यधारा के अखबार दुर्गा पूजा, रावण दहन से भरे हुए मिलेंगे, लेकिन मूल सभ्यता और विचारधारा पर कोई लेख टिप्पणी नहीं दिखेगी। अशोक विजयदशमी की याद में हमें बौद्ध, बहुजन, आदिवासी, घुमंतू जातीय लोगों और उनकी महिलाओं की असीमताओं के प्रति सजग होकर पितृसत्तात्मक पर्व और मिथकों पर बहस चलानी होगी। बहस हमें इस बात पर भी चलानी चाहिए, एक लोकतांत्रिक देश में त्योहारों के नाम पर हम हिंसात्मक अभिव्यक्तियों को क्यों अभ्यास करें। बताइए सबको अशोक विजयदशमी के बारे में। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।